अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मारूफ फारूक और अभी हम करेंगे पैराग्राफ 3 ट्रांसलेशन का। काफ़ी आसान है, अगेन हम इसको ब्रेक डाउन करके करेंगे, पार्ट कर लेंगे। इसका जो मेजर टेंस है वो है पास्ट टेंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम। गीदर की इंग्लिश होती है जैकल। जैकल लिव्ड ऑन अ रिवर बैंक। PANK बैंक, रिवर बैंक होता है दरिया का किनारा। अगला इसका सेंटेंस है, दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत सारे खेत थे, तो हम इसको लिखेंगे There were many, यानी कि बहुत से fields of मेलन, यानी खरबूजे के खेत। देर वर मैनी फील्ड ऑफ मेलन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। दरिया के दूसरे किनारे पर बहुत से खरबूजे के खेत थे। फिर इसका अगला जुमला है, दरिया गहरा और चौड़ा था। वेरी सिंपल, हम इसको करेंगे द रिवर वॉज डीप, यानी गहरा, और एंड चौड़ा यानी वाइड। द रिवर वॉज डीप एंड वाइड। अगला इसका जुमला है, गीदर जी भरकर खाना चाहता था। जी भरकर खाना चाहता था, इसको हम कैसे करेंगे, द जैकल यानी गीदर वॉन्टेड टू, यानी कि चाहता था, जी भरकर ईट टू हिज सेटिस्फैक्शन। यानी कि वो अपनी वो जी भरकर खाना चाहता था मेलन। फिर हम इसको करेंगे, अगला इसका जो जुमला है, वो दरिया अबूद नहीं कर सकता था। अबूद करना, क्रॉस करना, तो हम इसको कर देंगे ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर फिर इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, वन डे यानी एक दिन, ही सेड टू हिज ऊंट दोस्त कैमल फ्रेंड, कैमल फ्रेंड या फ्रेंड कैमल एक ही बात है, दोनों ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पंक्चुएशन हम यूज करेंगे वो होगा कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। वन डे ही सेड टू हिज कैमल फ्रेंड, उसने क्या कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा। इसको हम लिखेंगे अगर तुम मुझे, इफ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर
यानी इफ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले जाओ, मैं बहुत खुश मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा. आई विल बी वेरी शुक्रगुजार की इंग्लिश होती है ग्रेटफुल. ग्रेटफुल भी ठीक है, थैंकफुल भी ठीक है. ग्रेटफुल की स्पेलिंग आपने याद रखें GRATEFUL. और फिर रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. आपके जो भी पंक्चुएशन इसमें आ रही है वो आपने ठीक लगानी है. If you take me to the other side of the river, I will be very grateful. अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा. अगला इसका जुमला है, ऊंच रजामंद हो गया. रजामंद हो गया, वेरी सिंपल. द कैमल अग्रीड. The camel agreed. और इसका अगला जो सेंटेंस है वो है, गीदड़ ऊंट उसकी पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया. छलांग लगाकर चढ़ना, हम इसको करेंगे द जैकल. जंप्ड ऑन टू द यानी कि उसकी पीठ पर छलांग लगाकर द जैकल जंप डाउन टू द कैमल्स बैक. क्योंकि ऊंट की कमर है, ऊंट की पीठ है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे कैमल के बाद. ऊंट दरिया से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया. दरिया में जब आप चलते हैं, पानी में चलने को हम कहते हैं वेव. तो द कैमल वेडेड, वेड का पास्ट टेंस होता है वेडेड, थ्रू द रिवर. And reach the ऊंच दरिया में चलता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया. तो यहां पर हमने एंड खुद से ऐड किया, क्योंकि ये एंड के बगैर ये जुमला मुकम्मल नहीं होता. ये चीजें आपने कॉमन सेंस से यूज करनी है. द कैमल वेडेड थ्रू द रिवर एंड रीच द अदर साइड. दरिया से होता हुआ दूसरी साइड पर पहुंच गया. अब इसमें इसका अगला जुमला है, गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा. ये हम इसके टॉप पे लिख देते हैं, द जैकल घुस जाना को हम सिंपली करेंगे वेंट इनटू द फील्ड ऑफ मेलन्स. The jackal went into the field of melons, यानी वो खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा. And started eating the melons. मजे से को हम इंग्लिश में कर देंगे joyfully. The jackal went into the field of melons and started eating the melons joyfully. यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ एंड होता है. इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस